जीत की कार की। हाँ, और हमने जो है नहीं कुछ समझा नहीं, जीत की का काम ना कर रहे हार की ना जीत। जट वा गाँव आगे ना सैनी वा गाँव में सैनी है हम, सैनी हम सैनी है किसान तो बॉर्डर पे बैठे हैं, किसान तो आंदोलन चालू कर रहे हैं अपना। अरे वो तो एक पार्टी है अलग से, वो अपनी मांग कर रही है, हमें उनसे क्या मतलब है। क्यों ऐसा क्यों लगा कि वो पार्टी है, कुछ गुनगुना रहे हो? नहीं बताओ। नहीं यार नहीं बोल रहे, नहीं नहीं फिर इनसे बोल लूँगा, इनसे बात करूँगा। 600 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है और अभी भी मैंने कह रहा है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और आप कह रहे हो कि मैं किसान नहीं है, किसान नहीं होते फिर अब की बार किसकी सरकार आनी चाहिए? अरे अगले सरकार में हमारे यहाँ से कम से कम 20-22 ढोर खुले थे और अब एक ढोर भी नहीं खुला हमारे यहाँ। नमस्कार दोस्तों, हम आज उत्तर प्रदेश में मौजूद है और लगातार जो है उत्तर प्रदेश चुनाव की अपडेट, आखिर अब की बार जनता क्या चाहती है, क्या योगी के कामों को लेकर खुश है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में नहीं बार हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, सभी जगह उत्तर प्रदेश पर नज़र टिकी हुई है कि अब की बार क्या होगा। क्योंकि आप सभी ने पता है उत्तर प्रदेश एक सियासत बदलने वाला राज्य है, तो हम उसी में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ देख सकते हैं आप, चाय पर चर्चा होगी, यहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग युवा हमारे साथ बैठे हैं। अब की बार क्या योगी सरकार में क्या काम हुए हैं और क्या रोज़गार इनको मिल पाया? जो वादे योगी सरकार ने किए थे वो इन तक पहुंच पाए? आइए इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? हाँ जी, क्या रहा अब की बार उत्तर प्रदेश का जो कार्यकाल रहा योगी सरकार का? योगी सरकार का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और जो जो सरकार ने वादे किए उन्हें पूरा करने की उन्होंने पूरा। घबरा रहे हो अब? घबराओ मत, सही बोल लो। नहीं, उन्होंने पूरा किया है। क्या पूरा किया नो तो बता दो। विकास कार्य, मतलब ये कि किसानों को सब्सिडी मिल रही है और बहुत से काम। किसान तो बॉर्डर पे बैठे हैं, किसान तो आंदोलन चालू कर रहे हैं अपना। अरे वो किसान थोड़ा ही हैं, वो तो एक पार्टी है अलग से, वो अपनी मांग कर रही है, हमें उनसे क्या मतलब है। क्यों ऐसा क्यों लगा कि वो पार्टी है? क्यों लगा आपने ऐसा? वो पार्टी अलग है भाई। नहीं, वो किसान है, वो विपक्ष है, वो तो अपने सरकार के पक्ष में नहीं है। आज आप कुछ गुनगुना रहे हो? नहीं बताओ। नहीं अभी बोल रहे, नहीं नहीं फिर इनसे बोल लूँगा, इनसे बात करूँगा। हाँ जी, हाँ क्या रहेगा? मैं किसान ही तुम कर दे, किसान जो है खुश है। हाँ, किसान तो खुश है इस समय सरकार से, पर जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो तो अपना मतलब बिना मतलब के हल कर रहे हैं। किसान वो असली किसान नहीं है, सबसे ज़्यादा किसान तो अपने वही हैं जो अपने जगह पे बैठे हैं, वो तो अपना अपना फंडा फिट कर रहे हैं बैठे हुए। वो कोई किसानों की बात थोड़ा ही है, किसान का हित तो बढ़िया है, जो उन्होंने कानून बनाया वो किसान के हित में बनाया। चुपका मिल गया। 600 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है और अभी भी मैंने कह रहा है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और आप कह रहे हो कि मैं किसान नहीं है, किसान नहीं होते तो फिर 600 ना चाहो कितने ही हो जाओ, बिल्कुल बताओ घर को, कुछ भी ना होने का बिल्कुल बताओ घर को। वो तो पढ़े रहो ही, इससे क्या मतलब है? भराई ना कर रहे हैं भाई, सब काम हो रहा है, भराई कर रहे हैं, बिल्कुल भूल रहे हैं। क्यों आप खुश नहीं है? यहाँ MSP का गारंटी हो और जो है सही फसल पर रेट मिला भाई, बिजली तिकनी फूक रहे हैं, बिल में क्या दिक्कत आ रही है? देर याद बिजली सही है, MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसकी मांग कर रहे हैं। हाँ, तो MSP तो ठीक घोषित कर रही है सरकार, उसमें तो कोई बात नहीं, मांग कर रहे हैं तो वो तो घोषित भी कर रहे हैं, वो तो पता नहीं जाने कौन सी स्कीम को लेकर चला है। MSP तो पहली सरकार दे रही है, अभी फिर अब की बार किसकी सरकार आनी चाहिए? अरे आपकी सरकार तो वही योगी की आनी है। क्यों आनी है योगी की? कार्यकाल बढ़िया है, उसके काम बढ़िया है, ठीक ठाक काम चल रहा है, पहले परेशानी, अब कोई परेशानी नहीं। क्या परेशानी थी? पहले बतेरी परेशानी, पहले कहीं लूट खसोट हो जानी और कहीं कुछ भी हो जाना, अब सुरक्षित है सब। ढोर रात दिन रखा रहे हैं, ढोर रात दिन रखा रहे, पहले ढोर बहुत खुल रहा है, हमारे यहाँ कोई ढोर नहीं खुलता, अब चोरी चकारी भी नहीं होती। अगले सरकार में हमारे यहाँ से कम 20-22 ढोर खुले थे और अब एक ढोर भी नहीं खुला हमारे यहाँ से, तो किसान तो खुश है, कोई भी अपने खा हमारे आराम से, कोई भी बात नहीं है, खुश है। हाँ, बढ़िया खुश है इस टाइम। फिर ये जो किसान राकेश टिकैत जानो आप, जो किसान नेता है अड़े बैठे हैं वहाँ पे, ये तो साहब वो हैं जो हमसे और पार्टियों से पैसा ले लिया और वहाँ बैठे हैं, किसान को इतना टाइम कहाँ से हो जाकर बैठ जाएगा? किसान तो नहीं रोजगार मिला आपने? हाँ, उन्हें तो पैसा मिल गया ना हो। नहीं, आपको रोजगार मिलेगा आपके बच्चों को? हमें तो साहब देखो किसान पेंशन भी आ रही है
और दो चार बीघे जमीन भी है उसमें खेतीबाड़ी करते हैं और वो बाकी चाय बाय बनाते हैं। नहीं आप ये कह रहे हैं उनको पैसे दे रहे हैं, पैसे कौन दे रहे हैं? और विपक्ष वाले दे रहे होंगे और विपक्ष वाले दे रहे होंगे और उधर कैसे टिक रहा है इतने दिनों से लेकर खेत में कौन कमा रहा है उनके बताओ, खेत में कौन कमा रहा है? खाली कहाँ आ रहा है उनका खेत में तो और मानस नहीं उनके बतेरे हैं। किसान को तो दो घंटे का भी समय नहीं है, रात को भी काम करना पड़ता है, दिन की तो बात छोड़ो तुम। हाँ रात में पानी चलाना पड़ता है, जाना पड़ता है खेत पर, वो पड़े दो साल हो गए ना पड़े हो बताओ, तो उनका है कौन कमा रहा? उन्हें और पार्टियाँ दे रही हैं, वो खा रहे हैं आराम से, वो तो पड़े रहेंगे कई साल भी पड़े रहेंगे जो उनके क्या फिर अब की बारी हो गया होंगे योगी सरकार आएगी साहब। ये भी ये जो कह रहे हैं कि अब की बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं आने देनी, जगह जगह रैली करी, मुजफ्फरनगर में भी रैली करी, इसी बात को लेकर इनके कोई हाथ में रखिए सरकार बनानी है? सरकार तो पब्लिक बनाएगी, ये कुछ भी करते रहो पब्लिक बनाएगी, सरकार तो पब्लिक बनाएगी, कितने आते रहो कुछ कहते रहो, इनके भागने से बीजेपी भाग रही है, इनकी इनके कहने भागने की भाई काम देखे काम को हर आदमी पब्लिक पब्लिक चाहेगी और क्या है। अच्छा जी और भी आप क्या कहना चाहेंगे जी, आप तो शांत बैठे हैं। ना शांत सही है, शांत रहना चाहिए ठीक है सर। हाँ जी हेलो, हम आशा करते हैं काफ़ी समय से और लंबित समय से हम योगी सरकार की काफ़ी कोशिश में थे और सरकार ठीक ठाक चल रही है और हम आशा करते हैं कि लंबित समय से पिछली भी कितनी सरकारें आई कितनी सरकारें चली हैं, बहरहाल हम योगी सरकार से बहुत खुश हैं और जो लंबित मुकदमे हैं कोर्ट नंबर 4 हाई कोर्ट इलाहाबाद उनको भी हमारी सरकार ज़रूर देखेगी, हम ज़रूर आशा करते हैं और हम इस सरकार की बहुत ही अच्छी भावनाओं से कामना करते हैं। अब जीत का हो गया, जीत की कार की? हाँ और हमने जो है नहीं कुछ समझा नहीं, जीत की का कामना कर रहे हार की ना जीत की, जीत की चलो जी जीत की कर रहे हैं। तो विधानसभा हसनपुर है जी, विधानसभा है लोगामा विधानसभा में मौजूद है। आपके विधानसभा में कौन थे अबकी बार विधायक, कौन सी पार्टी रहे? पहले चेतन चौहान थे, अब उनके घर वाले हैं संगीता चौहान। किस पार्टी रहते हैं? भाजपा से। भाजपा से जी, काम करवाया उन्हें? हाँ बहुत काम करवाया, सड़क भी उनकी बनवाई हुई है, सामने ही सड़क बनी हुई है, अंदर की सड़क भी उनकी बनवाई हुई है। अच्छा हाँ काम बहुत करा हमारा। अच्छा मेन बात रोजगार क्या है, रोजगार भी मिले आपके बच्चों को? सब हमारे बच्चे तो अभी छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, जो रोजगार लाख हो जाएंगे रोजगार भी मिलेगा। ये बीजेपी सरकार दिन जनसंख्या कानून भी लाना इससे खुश हुआ? सही है वो कानून। क्यों सही है भाई? जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी रोजगार नहीं मिलने का तो भूखे तो मरेंगे, इससे तो कानून बनाना ही सही है। हाँ कि रोजगार और जनसंख्या का कुछ ना कुछ आपसी टकराव है। हाँ सही बात है, इसमें कुछ ना कुछ संशोधन होना चाहिए। लेकिन जनसंख्या तो चीन में भी ज़्यादा है, वहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं है? अब होगी तो हमें खैर नहीं पता, हम इतनी दूर तो खैर नहीं जाते, हम तो अपने हैं अपने प्रदेश में हैं खा कमाते हैं। चलो जी एक आधा कुछ सारे बीजेपी के बैठे हैं है जी, बीजेपी का गाँव है सारा, ये बीजेपी का गाँव है बीजेपी का, एक ही बीजेपी का? हाँ सब बीजेपी के हैं, मैं बीजेपी का ही हूँ। हाँ मैं बीजेपी का ही हूँ, काम बढ़िया कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, सब कुछ और सरकारी नहीं है, सब बात बढ़िया आ रही है। जट वा गाँव है ना? सैनी वा गाँव है, सैनी है हम, सैनी हम, सैनी है हम जो बोल रहे हम सैनी है। अरे सैनी होगा, सैनी की ज़्यादा वोट है यहाँ ना, चौहानों को चौहानों को ज़्यादा है, कम से कम मैं ऐसे मान लो 3,000 का पोलिंग है, चौहान ज़्यादा है और सैनी कुछ कम है ऐसा। चलो जी तो भाई चौहान और सैनी खड़े हैं यहाँ से, ये अब की बार जो है बीजेपी था? हाँ बीजेपी सरकार, बीजेपी की सरकार चाहते हैं सर। भाई बीजेपी की सरकार की कह रहे हैं, लेकिन हमने कई मुद्दों पर बात करी है, ये नु कह रहे रोजगार भी मिला, मेरी सड़कें भी बनी है, मेरा सब कुछ काम होया, लेकिन कहीं और जगह जावा कि बीजेपी के काम में सड़कें नहीं बनी, रोजगार नहीं मिला, लेकिन समझ आपने करनी है क्योंकि 2022 जो है आपने निर्णय लेना है अब की बार किसकी सरकार। तो इसी तरह से आंकड़े प्राप्त होने के बाद हम ये पता करेंगे, हम खुद भी बता सकेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। तब तक के लिए बने रहिएगा इंडिया हरियाणा चैनल पर, नमस्कार।